सीधा करो। हाँ ये वापस से करो। हाँ ये झटका लग रहा है ना, थ्रिल आ रहा है। मूवमेंट करके दिखाइए एक बार, पूरा मूवमेंट करिए, है ना। तो 1 महीना हो गया आपका ऑपरेशन का, हाँ और सर। सीधा करिए पूरा। वेरी गुड। तो कहीं पे भी अटक रहा है आपका? नहीं नहीं अटक सर। रहा है। ठीक है, एक बार दिखाओ ऊपर वापस से। मोड़ो 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 मोड़ो, मोड़ो। सीधा करो इसको। वेरी गुड, है ना। तो कोई भी अटक नहीं रहा है कहीं पे भी। हेलो ठीक है। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन जैन, आर्थ्रोस्कोपी और लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट जयपुर से। आज हमारे साथ में पेशेंट है जिनका हमने मेनिस्कस का ऑपरेशन किया था। इनके घुटने में क्या प्रॉब्लम थी ये आपको बताएंगे, और हमने क्या क्या ये भी आपको ये बताएंगे, और अभी इनका 1 महीने बाद कैसा रिजल्ट है, ये सारी चीज़ें हमको ये अपने जुबानी बताएंगे। बोलिए। मेरे पैर में थोड़ी सी पहले लचक आती थी, और पैर में ये घुटने में बहुत तेज दर्द होता था। तो ये दर्द होता था तो फिर मैंने कई बार ऐसे गोलियां ली, तो इस वजह से दर्द रुक जाता था, लेकिन परमानेंट इलाज नहीं था इसका फिर कोई भी। तो फिर मैंने डॉक्टर सर को दिखाया, फिर उसके बाद में मैंने दो दो तीन जगह और दिखाया, फिर मैंने सर को ये बेस्ट समझा, तो इस वजह से फिर मैंने इसकी आर्थ्रोस्कोपी करवाई, और फिर अभी बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ मैं इस। तो पहली बात मैं ये आपको पूछ रहा हूँ कि जैसे हमारा ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन से पहले जैसे आपका घुटना जब हम सीधा करते तो कैसे आवाज़ करता, टक टक ऐसे आवाज़ यस करता सर, था, बहुत और तेज जब आवाज भी आती थी हम इसमें। मोड़ता था तो टक करके आवाज़ हाँ करता था। यस सर। तो ये घुटना लॉक हो जाता था या कोई चीज़ अटक जाती थी, तो इसमें आपके जो MRI था उसमें हमारा क्या था कि डिस्कॉइड लैटरल मेनिस्कस, जो हमने यस बताया था सर। कि जो गद्दी थी वो काफ़ी मोटी थी और फटी हुई थी यस अंदर की तरफ, और उसमें आपने कम से कम कितने सर्जन्स को दिखाया था, हमने लगभग लगभग 6 या 7 सर्जन को दिखाया सब था। सर्जन्स को दिखाया था, तो उनका क्या राय था आपका कि कैसा होगा या होने की संभावना कैसी होगी या ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें चैलेंजिंग केसेस है। ये जो है ये सिंपल केस नहीं है कि रूटीनली हमारे OPD में आता है। डिस्कॉइड लैटरल मेनिस्कस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन जिसमें बहुत रेयर सिचुएशन आता है, और उसमें अच्छा रिजल्ट देना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। सर अब पैर सीधा करके दिखा सकते हैं एक बारी पूरा, और मोड़िए पूरा, कंप्लीट पूरा मोड़िए, हो है जाता ना। तो कहीं पे भी आपका जो पहले अटकता था वो जो नहीं हो टक रहा। टक होता है, क्योंकि पेशेंट्स या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑपरेशन के टाइम पे तो आपका नहीं हो रहा था, हो सकता है कि ऑपरेशन के बाद में वापस से होना शुरू हो जाए। अब तो 1 महीना हो गया, 1 महीने में आपका मूवमेंट पूरा आ गया, आप पूरा वजन दे के मूवमेंट, पूरा चलने लग गए, यस सर। है ना। और आपके उसमें कहीं पे भी नी में कोई तकलीफ है? नो नहीं। सर, कहीं पे भी कोई चीज अटक रही है? नो सर, नहीं अटक रही है। आप नॉर्मली चल पा रहे हो, यस सब कुछ सर, कर पा रहे हो, जो अपनी परेशानी थी जो वो आपके खत्म हो बहुत गई सर। तीव्र दर्द होता हाँ था वो खत्म वो हो अभी गई। कुछ भी हाँ है? कुछ नहीं है नहीं वो हो रहा सर। है। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहोगे कि कोई गद्दी का प्रॉब्लम हो या कोई लिगामेंट इंजरीज हो तो कुछ तो आपको सर से बताना होगा? संपर्क करें, हाँ जिनको बताइए। कुछ भी समस्या हो घुटने से रिलेटेड तो सर से संपर्क करें। तो आप अपने ट्रीटमेंट से संतुष्ट हो, मैं रिजल्ट से बहुत बहुत संतुष्ट हो? संतुष्ट हूँ बहुत इससे, शानदार प्रेजेंट। हाँ इस वजह से थैंक बहुत यू सर। बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा। हाँ थैंक यू तो सर। आपका ट्रस्ट था जो आपने हमें इतने सारे डॉक्टरों से ऊपर हमको ट्रस्टवर्दी समझा यस सर, और हमारे से इलाज करवाया, और हमने भी पूरी कोशिश करके इसको ठीक करने की कोशिश करी है। आगे भी आपकी स्ट्रेंथनिंग आपको करनी पड़ेगी क्योंकि अभी आपके मसल्स वीक यस सर। है ना, और जो अटकने वाला सिस्टम था वो तो बंद हो गया बट मसल्स अभी भी काफ़ी वीक है, तो आपको उसको स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज रेगुलरली करनी पड़ेगी। जो मसल्स वीक हो रखे हैं उसको 3 मंथ्स में आपको काफ़ी स्ट्रांग करना पड़ेगा, और हो सकता है कि 3 to 6 मंथ्स में आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर सको, जॉगिंग रनिंग जंपिंग जितने भी एक्टिविटीज़ है वो सारी चीज़ें आप अपनी चीज़ों में फॉलो कर सको। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नमस्कार।